Uh, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी वाई दिस पोम इज़ रिटन इन द प्रेज़ ऑफ रानी लक्ष्मी बाई बिकॉज शी वॉज रियली अ करेजियस एंड ब्रेव क्वीन राजा तो नॉर्मली तो राजा लड़ते थे है ना उस टाइम राजा बहुत मतलब मेल इज़ द टेकन एज पावर एंड दे फॉट एंड बेटल्स लेकिन ये रानी होकर भी इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि अंग्रेज़ भी इनकी बहादुरी की प्रशंसा की अंग्रेजों ने भी लाइक शी वॉज सो ब्रेव एंड करेजियस राइट सो अब हम लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें हम करेज और कंपेनियनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं व्हाट्स कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप मीन्स द फ्रेंडशिप ओके द वन हु इज अ कंपेनियन द वन हु इज ऑलवेज विद यू राइट Uh, wherever you move or go whatever task you do jo aapka saath de, companion right this is a warmer warm up activity i advise every one of you to find these five words in this grid the words you have to find the word valor, courage heroism bold daring right in this grid like whaler is already highlighted these all words mean bravery bahaduri in sab words ka meaning kya hai bahaduri ye heroism matlab hero ki tarah aur hero kaun hota hai jo जैसी मर्जी situation को हो difficult से difficult win करके बाहर निकलता है जैसे हर movie में hero किसको बोलते हैं Hero तो बिल्कुल विजेता की तरह दिखाया जाता है ना लाइक ऑलवेज विनिंग इन द डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल हीरो को कुछ नहीं होता सो so, बहादुरी से रिलेटेड है ना इज राइट करेज आपको पता ही है वेलर इज अदर वर्ड ऑफ करेज बोल्ड मतलब अगेन द टेकिंग अ बोल्ड स्टेप शी शोड द बोल्ड नेचर लाइक like, उसने बहादुरी दिखाई शी टूक बोल्ड शी टॉक्ट बोल्डली डेयरिंग अगैन करेज टू डू सम विच इज रियली डिफिकल्टो लेट्स टूडे वी विल जस्ट थ्री दू पेजेस ऑफ दिसोरी अबाउट झलकारी हुम कम्पैनियन ऑफ रानी लक्ष्मी बाई अब इसमें स्टोरी में क्या बताया हुआ है हाउक उनकी झलकारी के बारे में कि वो कहाँ से थी कैसी थी उसके मम्मी पापा के बारे में है थे या नहीं थे गांव में लोग क्या कहते थे एंड देन हाउ शी बिकेम द कंपेनियन ऑफ झांसी की रानी है ना रा, रा, रानी लक्ष्मी बाई की वो दोस्त कैसे बनी ये भी बताया हुआ है सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग लक्ष्मी बाई द रानी ऑफ झांसी बॉर्न ऑन नवम्बर नाइनटीन 1828 died on June 1718. Like maybe the date is not uh, very much fixed in the history, that is why it's the two dates. In 1858, she was an Indian queen and warrior. Warrior Kono the one who fights battles. Right? Warrior. Read the story of Chalkari. हु वॉज द रानीज ट्रस्ट कम्पैनियन ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय द वन हु कैन बी ट्रस्टेड एट ऑल टाइम जिसपे विश्वास किया जा सके कंपेनियन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द वन हु इज़ ऑलवेज विद यू इन योर गुड एंड बैड टाइम्स हु फॉलोज यू एवरीवेयर इज योर कंपेनियन झलकारी वॉज एन ऑफ़न हु इज एन ऑफन ऑफन मतलब जिसके मामा पापा ना हो द वन हु इज नॉट हैविंग पेरेंट्स ठीक है orphanages होते हैं ना अनाथालय तो उसी तरह orphan chhalkari was an orphan that means she didn't have mom and dad she was a bold and fearless little girl बहुत बोल्ड थी कैसी लड़की थी वो she was bold and fearless These are the two adjectives used for Chalkari, right? If somebody asks you, what kind of a girl was Chalkari? So, you have to say, she was bold and fearless little girl. Who loved to climb trees and swim in the river and play games that people call boys games. क्या, क्या what, does she, uh, what did she like? To climb trees. To swim in the rivers. टू प्ले गेम्स द पीपल कॉल बॉय गेम्स मतलब उसको खेल गुड़िया गुडों के साथ खेलने से ज्यादा उसको वो जो लड़कों की गेम्स हैं गुल्ली डंडा या फिर तलवार की फाइटिंग ये सब उसको बॉयज जो नॉर्मली गेम्स खेलते थे उसको वो गेम्स पसंद थी सो यू कैन वेरी वेल आंसर द क्वेश्चन इफ समबडी आस्क यू वॉट डी वॉट डि झिलकारी लव टू डू शी लव टू क्लाइंब ट्रीज स्विम इन द रिवर एंड

स्टैंड यहाँ पे खड़े होना नहीं है स्टैंड मतलब हिम्मत से लगे रहना राइट कंटिन्यू विद द वर्क शी इज डूइंग एंड कुड स्टैंड लॉन्ग आवर्स फॉर स्ट्रेन एंड हार्डशिप चाहे कितनी भी सफरिंग हो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो हिम्मत से जुटी रहती थी शी यूज टू कंटिन्यू द वर्क एंड शी नेवर लेफ्ट द वर्क अनडन कभी ऐसे छोड़ नहीं देती थी, थी कि मुझसे नहीं होता एंड शी यूज टू face that with strain that strain and hardship strain and hardship मतलब द सफरिंग एंड द problems यहाँ स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब होता है खिचाव है ना चाहे कितना भी problematic situation हो शी used टू स्टैंड लॉन्ग स्टैंड long आज मतलब अगेंस्ट इट घंटों लगी रहती थी जब तक वो काम खत्म नहीं होता था They often spoke of the time. दे ऑफन स्पोक ऑफ द टाइम दे यहाँ किसके लिए लगा विलेजर्स के लिए So villagers often spoke of the time when she fought a leopard single handedly. Single handedly, means Without any help, only on her own, a keli. Right? She fought a leopard, leopard se Ladi single handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. और सिर्फ एक मोटी स्टिक के सहारे उसने उस लेपर्ड को मार गिराया शी वाज दैट ब्रेव कि अकेली उससे लड़ी और एक सिर्फ मोटी डंडे के सहारे उसने उस लेपर्ड को मार गिराया विद द स्टर्टी स्टिक आफ्टर दैट दे निकनेम्ड हर झलकारी। उसके बाद निकनेम आप सबके भी निकनेम होंगे स्कूल में कोई और नाम प्यार से Uh, मम्मा कोई और नाम बुलाती होगी या आपके किसी क्वालिटी के कारण uh, कई बार कई बच्चे बहुत रोते हैं तो उसको बच्चे टीज uh, मतलब प्यार से घर में भी बुलाना शुरू करते हैं ना रोंदड़ू मेरा रोंदड़ू लाइक समथिंग लाइक विच पीपल जस्ट कॉल आउट ऑफ इधर लव और ड्यू टू वन ऑफ योर क्वालिटी राइट सो इसको झलकारी को क्या नाम मिला झलकारी द टाइग्रेस राइट When Tilkari grew up, she was married to a soldier in the army of Rani Lakshmibai and went away to live with him in Jaunsi. That was how the Rani chance to see her one day. इसी तरह chance मतलब मौका मिलना, right? कैसे रानी ने उसको देखा? When she came to live in Jaunsi after her marriage. और क्योंकि उनका जो पति था, वो Jaunsi रानी की आ, के बटालियन में था ठीक है शी शैल बी माई कंपेनियन द रानी ऑर्डर्ड फॉर शी लाइक द गर्ल्स फ्रैंक एंड फेयरलेस एटीट्यूड रानी ने जब उसको देखा और उसकी फ्रैंक और फेयरलेस एटीट्यूड को uh, समझा तो उस रानी ने फटाफट ऑर्डर किया क्या ऑर्डर किया शी शैल बी माई कंपेनियन ये मेरी साथी बनेगी राइट right? फ्रैंक मतलब फ्रेंडली फेयरलेस अगेन करेजियस एटीट्यूड देखने का नजरिया राइट एटीट्यूड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स इन एवरी डे द टू यंग विमेन वेंट आउट राइडिंग टूगेदर दोनों इकट्ठे घुड़सवारी चल करती थी दे फेंसड फेंसड का मतलब अगेन प्रैक्टिस करना पूरी रणनीति के साथ uh, तलवारों से लड़ाई करना राइट दि फेंस एंड रेसल्ड एंड प्रैक्टिस शूटिंग विद रिवॉल्वर एंड गन गन थोड़ी बड़ी होती है रिवॉल्वर थोड़ी छोटी होती है राइट सो लाइक दे यूज टू प्रैक्टिस फाइटिंग राइट सो दे फेंस दे रेसल्ड दे प्रैक्टिस शूटिंग विद रिवॉल्वर एंड गन दोज वर द ट्रबल टाइम्स एंड एवरीवेयर व्यर देवर र्यूमर्स ऑफ वॉर वो जो वक्त था ट्रबल टाइम थे डिफिकल्टी वॉज गोइंग ऑन वट वॉज द डिफिकल्टी लेट्स सी द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी ब्रिटिश क्या कर रहे थे आए हमारे घर पर लाइक हमारे देश में आए कैसे थे दे केम एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी बट दे स्टार्टेड रूलिंग द पीपल ऑफ लैंड वेरी हार्शली बहुत रूडली हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया दे कंट्रोल्ड अस विद बैड ट्रिक्स एंड वेज राइट एंड दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी एक्सपेंडिंग मतलब फैलाना शुरू कर दिया बढ़ा राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया दे स्टार्ट कंट्रोलिंग मोर एंड मोर पीस ऑफ लैंड ऑफ अर्स ठीक है एक्सपैंड जैसे आप मैथ्स में एक्सपैंड करते हो कोई चीज फैलाते हो ना लाइक दैट टेरिटरी मतलब राज्य द बाउंड्रीज इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री

प्राउड फील करते हैं ऑन दिस बैटल ठीक है और हर जगह लोग रिबेलियन मतलब दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरन रूलर्स फॉरेन मतलब जो देश का ना हो राइट एंड इसमें बहुत नुकसान लोग भी बहुत मरे सो विल कंटिन्यू विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर टूमोरोड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस रीडिंग एंड सर्कल ऑल द वर्ड्स यू शुड नो द प्रोनाउंसिएशन एंड यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू Right? So let's finish today. Thank you.